स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। इस वीडियो में जो आज हम बात करने वाले वो यहाँ पे यूपीआई ऐप को लेकर बात करने वाले हैं। जैसे आप लोग मार्केट में जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारी यहाँ पे आप लोग सामने ऐप बने हुए हैं, आपका गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, आईसीआईसीआई का हो गया, या अदर यहाँ पे मोबीक्विक के माध्यम से भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं यहाँ पे, आप लोग कोई भी ऐप यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, जैसे आरबीआई की एक गाइडलाइन जारी की गई थी जिसमें यहाँ पे आपको बताया गया कि 29 फरवरी 2024 के बाद अब आपको पेटीएम को यूज नहीं कर सकते। अगर पेटीएम पेमेंट यहाँ पे बैन कर दिया गया है, आपको ये जानकारी है, तो यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक के टक्कर में यहाँ पे एक ऐप मार्केट में आ चुका है। वो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसका नाम यहाँ पे पेजिप के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक को ये जो ऐप आया है ये पूर्णतः टक्कर देगा, क्योंकि उसमें भी यहाँ पे तरह तरह से कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसके बदले में रिवार्ड पॉइंट भी यहाँ पे मिलने वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको आप लोग बड़ी आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पेजेप की क्या खासियत है, क्या नहीं है, ये हम आप लोगों को आगे चल के इस वीडियो में बात करने वाले। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, पेजेप आप लोग कैसे यूज करेंगे, उसमें आप लोगों को कैसे अकाउंट एड करना होगा, कैसे लॉग इन करेंगे और उसका वर्क कैसे करता है, कैसा उसका इंटरफेस है, तो हम यहाँ पे सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले। तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करेंगे, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटा प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो देखने मिल सके। ज्यादा समय लेते हुए वीडियो शुरू कर लेता हूं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना है। मोबाइल स्क्रीन पे आ जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन जो देखने को मिल रही है पेजेप, यहाँ पे पेजेप एप्लीकेशन जो है इसी को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने पेजेप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बता दूं, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे रिवार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों बता दो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखेंगे लेट्स गेट्स स्टार्टेड, तो यहाँ पे लेट्स गेट्स स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे हम आप लोगों को टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके दिखा देते हैं। जैसे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन नीचे देखने को मिला, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं परमिशंस मांग रहा है, तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। जैसे परमिशंस, सारी परमिशंस यहाँ पे अलाउ कर देनी है, यहाँ पे एक एक करके परमिशन अलाउ करते रहना है। परमिशंस अलाउ कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों की पूछ रहा है सिम 1 है, सिम 2 है, जो भी है उसको यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसका नीचे यहाँ पे देखेंगे सेंड SMS वेरीफाई, तो यहाँ पे सेंड SMS टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजी जाएगी, वो OTP यहाँ पे वेरीफाई करेगा। हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, मेरे में OTP आ चुकी है। पेज जो है रिफ्रेश नहीं करना है, बैक नहीं करना है, कुछ या नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से रखना। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पे अनलॉक करना है इसको, तो हम यहाँ पे अनलॉक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अनलॉक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखेंगे वेलकम, मेरा नाम आ चुका है, यहाँ पे जो है हमें रजिस्टर्ड कर दिया है। इस प्रकार से यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गए हैं। रजिस्टर्ड हो जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे लेट्स क्विक वेरीफाई योर HDFC बैंक योर अकाउंट डिटेल्स, तो यहाँ पे मेरा HDFC में है तो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम HDFC बैंक को नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे स्किप फॉर नाउ करेंगे और यहाँ पे यस स्किप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे उन लोगों के लिए है, वो तो हमारे लिए जो पेज अभी था उस पर अगर हम यस कर देते तो हमारा HDFC में जो था वो डिटेल यहाँ पे वेरीफाई कर लेता, लेकिन हमें यहाँ पर जो दिखाना है वो अदर बैंक के लिए भी दिखाना है जिनका यहाँ पे HDFC में नहीं है। तो जिनका HDFC में नहीं है वो पेज यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपना पिन नंबर फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे पिन नंबर फिल करेंगे, हमने यहाँ पे अपना पिन नंबर यहाँ पे फिल कर दिया, आप कैसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो है यहाँ पे आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, वेरीफाई पिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वेरीफाई पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कन्फर्म पिन डिटेल्स यहाँ पे आपके दिखा दी गई है, यहाँ पे आपका नाम आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो स्टार लगे हुए ये यहाँ पे अंक आपके नाम के जो है अक्षर हाइड कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया
इसको देख लेंगे, यस प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे करेंगे वैलिडेट योर पेन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे पेन मेरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, प्रोसेसिंग कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, बैंक की तरफ से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुझे एक नोटिफिकेशन आ चुका है, पेन के थ्रू यहाँ पे केवाईसी कर दी गई है, पेन केवाईसी हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे बैंक जो है ऐड करना है, ऐड बैंक के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐड न्यू। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और बता दूं, यहाँ पे अगर यहाँ पे स्किप करना चाहे तो इसको स्किप करके बाद में भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शंस देखने मिलेंगे, ऐड ए बैंक अकाउंट फॉर रुपए और रुपए क्रेडिट कार्ड, तो जो यहाँ पे डिटेल्स है उससे यहाँ पे कर लेंगे हम, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे बैंक अकाउंट और रुपए क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट या रुपए कार्ड जो भी है हम यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। जैसे बैंक अकाउंट सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपके सामने एक एक करके बहुत सारी बैंक यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप लोग इसको देख लेंगे एक एक करके, हमारे यहाँ पे क्या है आईसीआईसीआई बैंक है, तो यहाँ पे हम आईसीआईसीआई बैंक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके सामने हम आईसीआईसीआई बैंक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी आईसीआईसीआई बैंक जो है यूपीआई अकाउंट रिलेटेड, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने आ चुकी है, यहाँ पे आपको पूरे पिन के लिए आ गया है यूपीआई पिन एग्जिट एरर इन अकाउंट, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर दिखाया गया है, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे हम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे देखेंगे क्रिएट यूपीआई नंबर या यूज ए कस्टमर नंबर इंस्टेंट, तो यहाँ पे क्रिएट यूपीआई नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट यूपीआई जो है नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ पे यूपीआई नंबर क्रेडिट किया जा रहा है। प्रोसीड के ऑप्शन पे पुनः से क्लिक करना है, जैसे प्रोसीड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे योर कार्ड्स, तो यहाँ पे आप अगर योर कार्ड है यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो कार्ड को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे स्किप फॉर्म नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पुनः से हम यहाँ पे यस स्किप पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कंडीशन यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे हमें HDFC का यहाँ पे वीजा कार्ड ऑनलाइन पेमेंट के लिए दिया गया है, इसको ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे कार्ड को अलाउ कर लेंगे, अलाउ कर लेने के बाद यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे डन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ओके कर देते हैं तो यहाँ पे आप लोगों की जो है क्या है यहाँ पे आप लॉग इन हो चुके हैं, हमारा अकाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे अकाउंट कार्ड्स यहाँ पे यूपीआई देखने को मिल जाती है, यहाँ पे यूपीआई आप लोग देख सकते हैं जो भी मेरी यूपीआई है यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे सेंड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करके सेंड कर सकते हैं, बिल रिचार्ज कर सकते हैं, पासबुक है, अकाउंट कार्ड से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अकाउंट कार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी हमारा कार्ड यहाँ पे लिंक होगा वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को यूपीआई अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यूपीआई यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं और यहाँ पे टोटली ये सेफ है। तो यहाँ पे नीचे आने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे रेंट का कर सकते हैं, फास्टैग, DTH, गैस सिलेंडर, यानी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और समय समय पर यहाँ पे आप लोगों को क्या है यहाँ पे आप लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं, शॉपिंग का यहाँ पे आप लोगों को जो है दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको जानकारी सही लगी होगी, जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटा प्रेस कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।